एक सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता है कि लैपटॉप को चार्ज में लगाकर काम करें या उसकी बैटरी पावर से। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसीलिए आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें लैपटॉप को बैटरी पावर से इस्तेमाल करना चाहिए या हमें चार्ज में लगाकर हमेशा काम करना चाहिए। सवाल का जवाब पाने से पहले हमें बैटरी के कुछ बेसिक्स को समझना होगा। हमारे लैपटॉप में लगने वाली बैटरी मोस्टली दो तरह की होती है, पहली है लिथियम आयन और दूसरी है लिथियम पॉलीमर। ज़्यादातर लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से ही जब भी हम लैपटॉप को चार्ज में इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी की लॉन्ग टर्म लाइफ में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है वह चार्ज होना अपने आप बंद हो जाती है। इसलिए इसे यह समझ में आता है कि चार्ज में लगाकर काम करने से बैटरी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल का कहना है कि हमें लैपटॉप को चार्ज में लगाकर ही काम करना चाहिए। वहीं अगर हम HP की बात करें तो उनका कहना है लगातार 2 हफ्तों से ज़्यादा चार्ज में लगाकर काम नहीं करना चाहिए। डेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसके लैपटॉप को चार्ज में लगाकर इस्तेमाल करते हैं तो। और अगर वहीं एसर की बात माने तो एसर का कहना है कि जब भी हम चार्ज में लगा के काम करें तो बैटरी को रिमूव करके काम करें। अभी तक इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं मिला है कि हमें लैपटॉप को चार्ज में लगाकर काम करना चाहिए या उसकी बैटरी के पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सटीक जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ खास बातों को बता दूं। अगर आप अपने लैपटॉप को बहुत लंबे समय तक चार्ज में लगाकर काम करते हैं तो लैपटॉप में हीटनेस बढ़ जाती है। अक्सर खेलते समय और बहुत सारे प्रोग्राम का एक साथ इस्तेमाल करने से हीटिंग बढ़ जाती है। अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत बैटरी को चार्जिंग से हटा देना चाहिए, नहीं तो बैटरी डैमेज होने का खतरा बना रहता है। हर बैटरी की लाइफ साइकिल होती है, आप इसे कितने बार फुल चार्ज करते हैं और कितने बार वह पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है इसी पर डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी की लाइफ कितनी होगी। बहुत सारी रिसर्च यह बताती है कि अगर आपके लैपटॉप की बैटरी 20% से 80% के बीच में रहती है तो उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी लैपटॉप की पावर 20% से कम हो तो उसे चार्ज कर लेना चाहिए और कभी भी हमें 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम आपको सीधे इस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, अगर हम लैपटॉप को बैटरी पावर से इस्तेमाल करते हैं तो बार बार हमें लैपटॉप को चार्ज करना पड़ेगा जिससे लैपटॉप की बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इसलिए हमें लैपटॉप को चार्ज में लगाकर ही काम करना चाहिए। मगर एक खास बात का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा करते समय आपके आसपास का वातावरण ठंडा होना चाहिए। अगर आपके आसपास का वातावरण गर्म है तो लैपटॉप जल्दी ही हीट होने लगेगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमेशा ठंडे वातावरण में रहें और लैपटॉप को हमेशा चार्ज में लगाकर ही काम करें। इससे आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी और आपका काम भी। ऐसी और टेक्निकल न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।